नमस्ते छात्रों, हम अपनी कल की अवधि में हम होंगे कामयाब नामक पाठ में से कुछ प्रश्न उत्तर तथा एक वचन बहुवचन के बारे में देखे थे। ठीक है, आज की अवधि में उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए, बड़ा ख है, क्या दिया है? विभक्ति सहित बहुवचन रूप लिखते समय शब्दों का रूप बदल जाता है। हम लोग विभक्ति सहित बहुवचन लिखते हैं तो वहाँ पे शब्दों के जो रूप है वह बदल जाते हैं। जैसे उदाहरण दिए, एक वचन बहुवचन विभक्ति सहित बहुवचन में देखिए, वृक्ष सिर्फ शब्द लिखते समय वृक्ष वृक्ष लिखते हैं, लेकिन विभक्ति सहित हम लिखेंगे तो वृक्षों पर, वृक्ष जो है वह वृक्षों हो जाएगा। इसका विभक्ति प्रत्यय है पर, वृक्षों पर। आगे साथी और साथी, साथियों ने, साथियों ने पे ने प्रत्यय हुआ। आगे है शत्रु, शत्रु उसको शत्रुओं से ऐसे इस तरह लिखते हैं। आगे क्या है? रचना, रचनाएं और रचनाओं द्वारा हो जाता है। आगे डिबियों में यहाँ जो है वह यू हो जाता है। इस तरह विभक्ति सहित बहुवचन किए जाते हैं। आगे दिया जा रहा है, इसी प्रकार नीचे दिए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। इसी प्रकार को क्या करना है? कुछ शब्द दिए उनका बहुवचन रूप लिखना है। पुरुष, पुरुष। आगे विभक्ति सहित लिखते समय पुरुषों ने इस तरह हो जाता है। आगे बूटी, यह बूटी जो है वह बहुवचन में बूटियां हो जाता है। आगे विभक्ति सहित बहुवचन लिखते समय बूटियों से इस तरह लिख सकते हैं। आगे क्या है? राजा, राजा का बहुवचन राजा होता है, उसको विभक्ति सहित लिखते समय राजाओं ने इस तरह लिखते हैं। आगे है धर्म, जो धर्म है उसको बहुवचन लिखते समय धर्म ही लिखते हैं, और उसको विभक्ति प्रत्यय सहित लिखते समय धर्मों को। आगे दूत ही लिखते हैं, लेकिन विभक्ति प्रत्यय सहित दूतों ने इस तरह लिखते हैं। आगे साधु, साधु को भी साधु ही लिखते हैं, और विभक्ति प्रत्यय सहित साधुओं के लिए इस तरह लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए हुए शब्दों में विशेषण और विशेष्य बनाइए। नीचे जो शब्द दिए उनमें से विशेषण कौन सा है और विशेष्य कौन सा है उसको लिखना है। अद्वितीय काव्य, अद्वितीय काव्य, यहाँ पे अद्वितीय जो है वह विशेषण है और काव्य जो है वह विशेष है। अगला है मनमोहक शब्द, यहाँ पे जो मनमोहक है वह विशेषण है और जो शब्द है वह विशेष है। अगला है अंतिम मंजिल, यहाँ पे अंतिम जो है वह विशेषण है और मंजिल जो है वह विशेष है। आगे है सदृढ़ नींव, जो सदृढ़ है वह विशेषण है और जो नींव है वह विशेष है। अगला है कठिन श्रम, यहाँ पे भी जो कठिन जो शब्द है वह विशेषण है और जो श्रम है वह विशेष है। अगला दुर्लभ पदार्थ, यहाँ पे जो दुर्लभ जो शब्द है वह विशेषण है और जो पदार्थ है वह विशेष है। ठीक है, आगे अमोघ मंत्र, यहाँ पे जो अमोघ शब्द है वह विशेषण है और जो मंत्र है वह विशेष है। अंतिम वन है संघर्षपूर्ण जीवन, जो यहाँ पे संघर्षपूर्ण है वह विशेषण है और जो जीवन है वह विशेष है। ठीक है, जो पहला शब्द है वह विशेषण है, जो दूसरा शब्द है वह विशेष है। ठीक है, आज इतना काफी, कल की अवधि में
छठा और सातवां प्रश्न के बारे में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।